जितने भी बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो उनके बाप जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कहा कि अगर जेडीएस को वोट अगर डालेंगे तो वो कांग्रेस को वोट चला जाएगा। आप याद रखिएगा, जेडीएस को दिया एक एक वोट सीधा कांग्रेस के खाते में जाएगा। तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि नरेंद्र मोदी और ये कांग्रेस वालों की बातों में मत आइए। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर बारिश अगर आ रही है तो रेन कोट और छतरी लेकर जाना चाहिए, नहीं लेकर जा रहा तो वो बेवकूफ है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। कल मैंने एक स्टेटमेंट दिया था एक ट्रू कॉलर के ताल्लुक से, बीजेपी का जो वॉइस कॉल कैंपेन चल रहा है उसके ताल्लुक से, ट्रू कॉलर के ताल्लुक से मैंने एक स्टेटमेंट दिया था और इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी की साजिश नज़र आ रही है, क्योंकि हमेशा वो लोगों की आदत भी है कि नेगेटिव कैंपेन करते हैं। और एक साहब ने उसके ताल्लुक से एक स्टेटमेंट, दूसरे पार्टी के एक साहब ने स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने कहा कि एक कोई प्रीतम घोड़ा है जो GDS को वोट डालेंगे तो BJP को वोट डालने के बराबर है। उन्होंने अपने कल के एक स्टेटमेंट में मेरे स्टेटमेंट के ताल्लुक कनेक्टेड मेरे स्टेटमेंट के काउंटर में उन्होंने कहा, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी BJP के जितने भी लीडर्स हैं वो उनके बाप जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कहा कि अगर JDS को वोट अगर डालेंगे, नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि अगर JDS को वोट डालेंगे तो वो कांग्रेस को वोट चला जाएगा। JDS और कांग्रेस के अंदर सांठ गांठ है। तो यहाँ पर एक तरफ ये कहा जाता है और दूसरी तरफ ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो ये यहाँ की आवाम बहुत बेहतर जानती है कि जनता दल का पोजीशन क्या है, जनता दल की अहमियत क्या है। और रही बात, मैं गुलबर्गा की हद तक की बात करूँगा, गुलबर्गा की आवाम पूरी तरह से जान चुकी है ना नरेंद्र मोदी की बातों में आने वाले ना कांग्रेस की बातों में आने वाले, यहाँ की आवाम फैसला कर चुकी है कि यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद को कितनी भी आप नेगेटिव कैंपेन करते रहो, कितनी भी ऐसे स्टेटमेंट देते रहो, वहाँ पर एक तरफ इरादा कर चुके हैं और दूसरी तरफ हमने कल मैंने उनको रिपोर्ट कंप्लेंट वो जो ट्रू कॉलर का है वो कंप्लेंट देने के बाद ही स्टेटमेंट दिया था, लेकिन स्टेटमेंट देने के वक्त जो है मुझे वो बोलना भूल गया। हम उनके ताल्लुक से भी हम कंप्लेंट कर चुके हैं, वो मालूम हो जाएगा उसके पीछे किसकी साजिश है वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ एक भी बात और एक बात भी कही गई कि डरा रहे हैं, खौफ दिला रहे हैं, एक रिपोर्टर उनको सवाल करते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि हम डरा रहे नहीं, हम खाली ये बता रहे हैं कि एक एग्ज़ाम्पल देकर बता रहे हैं, अगर कोई बच्चा बाहर जा रहा है, बारिश अगर आ रही है, छतरी लेकर जाओ, रेनकोट लेकर जाओ, बोलकर ऐसा कुछ ऐसा बयान दिए थे। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल अगर बारिश अगर आ रही है तो रेनकोट और छतरी लेकर जाना चाहिए, नहीं लेकर जा रहा तो वो बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, भीगते जा रहा है बारिश में तो लेकर जाना चाहिए। लेकिन बारिश अगर नहीं आ रही है उसके बावजूद भी घर के बड़े बोल रहे हैं कि नहीं वो छतरी लेकर जाओ, रेनकोट लेकर जाओ, अगर कह रहे हैं तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो यहाँ की गुलबर्गा की आवाम होशियार है, बहुत समझदार है, आप उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी चीज़ को एग्जांपल भी देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ के लोग डिसाइड कर चुके हैं। अभी देखिए आगे आगे देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। ये BJP और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये खेल हमेशा का खेल है इनका, कभी हम हुकूमत करेंगे, कब आप हुकूमत करिए। हम जो है फुटबॉल की तरह हो चुके हैं, कोई उधर से लात मारता है तो इधर आ जाता है, इधर से लात मारता है तो उधर चले जाते हैं, तो हमको सोच समझ कर फैसला लेना होगा। यहाँ गुलबर्गा के अंदर आप फिर एक बार जिस तरह से लास्ट इलेक्शन में भी इत्तेहाद का मुजाहरा किया और मोहतरमा को जीता कर लाए, वो इत्तेहाद को हम तस्लीम करते हैं, और मुझे यकीन है इस बार भी आप इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए नासिर हुसैन उस्ताद साहब को आप भारी एक्सीडेंट से जिता कर लाएंगे। ये तमाम नेगेटिव कैंपेन करने दो, हम किसी के बहकाव में नहीं आएंगे। इंशाल्लाह मैं तमाम लोगों से, कांग्रेस के जितने भी वर्कर्स हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, पूरे एक तरफ आइए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए,
नासिर हुसैन उस्ताद की हक़ में, गुलबर्गा की अच्छे मुस्तकबिल के लिए, गुलबर्गा के अच्छे काम के लिए, गुलबर्गा के इत्तेहाद के लिए, तमाम लोग आप एक तरफ आइए, हम तमाम हम और आप मिलकर गुलबर्गे को एक अच्छा गुलबर्गा बनाएंगे, जो गुलबर्गा फिलहाल ख़राब हो चुका है। यहाँ पर हम सिर्फ बातों में गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वो बात नहीं है। अगर हम पूरे गुलबर्गा इत्तेहाद का अगर मुजाहरा करेंगे, यकीनन गुलबर्गा शहर में गंगा जमुना तहजीब का जो था वो उसको हम और बरकरार करेंगे, हमारे जो हिंदू मुस्लिम के जो रिलेशन हैं उसको और स्ट्रांग बनाएंगे। हम एक हैं, लेकिन ये कुछ सियासतदान हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि नरेंद्र मोदी और ये कांग्रेस वालों की बातों में मत आइए। यहाँ पर कांग्रेस मैदान में नहीं है, यहाँ पर फिलवक्त JDS और BJP के बीच में मुकाबला है। तमाम जितने भी सेक्शन के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर आइए।